हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। सो आज इस वीडियो में मैं कुछ टेस्ट डिस्कस करने वाला हूँ, जो अगर आप जेईई मेंस या फिर नीट का कोई भी पेपर देखें, शायद ही ऐसा कोई पेपर होगा, शायद ही जेईई का कोई ऐसा अटेम्प्ट होगा जिसमें टेस्ट पे क्वेश्चन आया हो। ऑर्गेनिक से टेस्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आज जो मैं टेस्ट कवर करने वाला हूँ वो है आपका बायोरेट टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट, फिर सारे प्रोटीन के टेस्ट मैं कवर करने वाला हूँ, 6 to 7 टेस्ट, हेलर्स टेस्ट, जेंथोप्रोटिक टेस्ट, मिलन टेस्ट, है ना, आयोडीन टेस्ट। तो सारे टेस्ट आप ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बायोरेट टेस्ट बहुत ही फेमस टेस्ट है, और अभी अभी नीट में, जेई में इसमें क्वेश्चन आया था कि इट इज़ यूज टू डिटेक्ट वॉट, फैट्स, स्टार्च या फिर क्या। तो सिंपल आंसर था, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट क्या, प्रोटीन्स। तो क्वेश्चन तो यहीं ख़त्म हो गया। सो बायोरेट टेस्ट आपको पेप्टाइड बॉन्ड के डिटेक्शन में बहुत हेल्प करता है, पेप्टाइड बॉन्ड के डिटेक्शन में बहुत हेल्प करता है। आई होप आपको पेप्टाइड बॉन्ड पता हो, है ना। सो प्रोटीन जो आपके अमीनो एसिड से मिलके बनता है, जिसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है, उसमें अगर आप 1% कॉपर सल्फेट डाल दो अलॉन्ग विद NaOH इन द बेसिक मीडियम, सो इट विल गिव यू बैंगनी कलर। हिंदी में बैंगनी बोलेंगे, इंग्लिश में वॉयलेट कलर, है ना। सो बैंगनी से इसको याद करना बहुत आसान हो जाता है, बी फॉर बायोरेट, बी फॉर बैंगनी, है ना। तो ऐसे इसका आप कलर याद कर सकते हो। यही तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, कैसे कलर याद करें। तो बायोरेट का कलर हो गया बैंगनी, वॉयलेट कलर। तो ऐसे आपको फर्स्ट टेस्ट याद हो गया। सेकेंड पे चलते हैं। बार बार इनको 2-3 बार लिख के देखना, वीडियो को पॉज करके बार बार पहले अच्छे से अपने नोट्स बना लो एक बार, फिर बार बार उसको रिवाइज करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है निनहाइड्रिन टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निनहाइड्रिन टेस्ट। ये भी अभी 21 में ही जेई मेन्स में क्वेश्चन आया। कोई भी आपके पास प्रोटीन है ना, जिसके अंदर आप क्या ऐड करोगे, निनहाइड्रिन। निनहाइड्रिन क्या होता है ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इंडेन। ये बन गया अपना इंडेन, बेंजीन और एक 5-membered रिंग। इसकी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे कीटोन होता है और सेकंड पोजीशन पे 2 OH होते हैं। तो IUPAC क्या हो गया इसका, 1, 2, 3, तो हो गया 2,2-dihydroxy। ये भी नाम पूछा गया है इंडेन। और 1,3 पे क्या है, 1,3 पे 2 बार कीटोन है, ठीक है। सो ऐसा करने पे ब्लू कलर आता है, ब्लू को हिंदी में बोलते हैं नीला, नीला कलर, है ना। तो N फॉर निनहाइड्रिन, N फॉर नीला। तो ऐसे आप इसका कलर याद कर सकते हो। सो निनहाइड्रिन टेस्ट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अमोनिया या फिर 1-degree, 2-degree अमीन या फिर अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो अगर ये टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब गिवन कंपाउंड के अंदर इनमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर नीला कलर भी आता है या फिर डीप ब्लू कलर भी आप बोल सकते हो, और इसी डीप ब्लू कलर को एक और नाम से जानते हैं हम, र्यूमेंस पर्पल, RUHEMANS, र्यूमेंस पर्पल। जेई एडवांस में इस नाम से आया था, बहुत सारे बच्चे घूम गए, पता नहीं कौन सा टेस्ट आ गया ये। तो निनहाइड्रिन में जो कलर आता है डीप ब्लू कलर, इसी का दूसरा नाम है रूमेंस पर्पल, ठीक है। थर्ड में चलते हैं। थर्ड टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ पूछा जा सकता है, इससे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मिलता है, हेलर्स रिंग टेस्ट बोलते हैं इसको। आपके पास जो भी प्रोटीन है, आप कॉन्सेंट्रेटेड SNO3 डालो, आपको वाइट कलर मिलेगा। एक तो ये कलर, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस टेस्ट से प्रोटीन का टेस्ट करने पे वाइट कलर आता है, या फिर यूरिन के अंदर अगर एल्ब्यूमिन हमको पता करना है कि प्रेजेंट है या नहीं, है ना, तो इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है। तो एक तो टेस्ट में कलर पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है हेलर टेस्ट किसके लिए करते हैं, प्रोटीन्स के लिए करते हैं, और यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन को टेस्ट करने के लिए हेलर टेस्ट यूज़ किया जाता है। तो 3 टेस्ट हो गए हमारे। फोर्थ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी अभी जेई और नीट के अंदर आया है, वो है जेंथोप्रोटिक टेस्ट। ये एरोमेटिक प्रोटीन्स, है ना, एरोमेटिक अमीनो एसिड जहाँ प्रेजेंट हो उनके लिए किया जाता है। इसमें भी हम कॉन्सेंट्रेटेड SNO3 डालते हैं,
जिससे पहले येलो कलर आता है, और थोड़ा सा बेसिक या फिर अमोनिया डालने पे द कलर चेंजेस टू ऑरेंज। ऑरेंज को नारंगी बोलते हैं हिंदी में, नारंगी कलर आ जाता है। तो एन ज़ेंथोप्रोटिक में एन आ रहा है, एन फॉर ज़ेंथोप्रोटिक, एन फॉर नारंगी, तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो, एन फॉर ज़ेंथोप्रोटिक, एन फॉर नारंगी, ठीक है। सो एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, TTP, ट्रिप्टोफैन, अब तक तो सब याद कर लिया होगा आपने, टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको ये नहीं आते हैं तो अमीनो एसिड जल्दी से याद कर लें, ठीक है, और इनके स्ट्रक्चर आप बनाएं और चैट में मुझे बताएं कि आपने ये बनाए हैं। फिफ्थ है, वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स अच्छे से रेडी कर लें। नेक्स्ट है मिलन्स टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिलन्स टेस्ट। अगर कहीं पर भी फिनॉल प्रेजेंट है, फिनॉल है ना, जैसे प्रोटीन है, और आपने उसमें HNO3 डाला और मर्क्यूरी डाला, मर्क्यूरी, तो इसमें वाइट कलर आता है पहले, जिसको अगर आप हीट कर दो तो वो ब्रिक रेड, ब्रिक की तरह रेड कलर आ जाता है इसमें, ठीक है, जो आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट में आया था, चैट में मुझे बता सकते हो टॉलेंस में आया था या फेलिंग्स में आया था, ठीक है, ब्रिक रेड। सो अगर आपके पास प्रोटीन है जिसके अंदर फिनॉल प्रेजेंट है, तो कौन से अमीनो एसिड में फिनॉल प्रेजेंट है, टायरोसिन। टायरोसिन का स्ट्रक्चर जहाँ तक मुझे याद है कुछ ऐसा था, एक बार आप चेक भी कर लेना, ठीक है। तो अगर फिनॉल प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर तो ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, होपकिन कॉल टेस्ट। तो एक बार तो यही क्वेश्चन आया था, होपकिन कॉल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, सो इट इज़ यूज फॉर द प्रोटीन के डिटेक्शन, और इसमें क्या डालते हैं, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। आधे बच्चों को तो ये नहीं पता होगा ग्लाइऑक्सिलिक एसिड क्या होता है, तो इसमें भी हमें वॉयलेट कलर मिलता है, बस इसमें वॉयलेट रिंग मिलती है, ठीक है। तो ग्लाइऑक्सिलिक एसिड कुछ भी नहीं है, एसिड है तो मतलब COH होगा, और एक COH होता है, तो इसमें एल्डिहाइड और एसिड होता है, ठीक है, तो एसिड एंड एल्डिहाइड, दिस इज ग्लाइऑक्सिलिक एसिड आपका। एंड द लास्ट वेरी फेमस टेस्ट इज, देख लो सातों के सातों टेस्ट तुमको करा दिए, बस नोट्स बना लेना अच्छे से और इनको रिवाइज कर लेना, दिस इज आयोडीन टेस्ट, ठीक है। ऐसे ही बच्चों की रिक्वेस्ट आती रहेगी और आपको जो भी आप बोलोगे उस पर मैं वीडियो देता रहूँगा, अपना सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपका अच्छे से अच्छी जगह एडमिशन हो। सो प्रोटीन और इसके अंदर आप आयोडीन ऐड करते हो, कोई भी सॉल्वेंट ले लो, KI या फिर एल्कोहल, आपको येलो कलर मिलेगा, हेंस आयोडीन टेस्ट इज पॉजिटिव। तो एक बार सारे टेस्ट देख लेते हैं, सबसे पहले बायोरेट टेस्ट, ठीक है, इसके अंदर 1% कॉपर सल्फेट लिया था, एंड बी फॉर बायोरेट, बी फॉर बैंगनी, वायलेट कलर आया था इसमें, देन निनहाइड्रीन जिसका IUPAC नेम मैंने आपको बताया, एंड इसमें एन फॉर निनहाइड्रीन और एन फॉर नीला, ब्लू कलर आता है, इसको रूमेंस पर्पल भी बोलते हैं। फिर हेलर टेस्ट जो यूरिन के अंदर एल्बुमिन टेस्ट करने के काम आता है, फिर ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट जो एरोमेटिक प्रोटीन्स को चेक करने के काम आता है, और इसका कलर नारंगी होता है, एन फॉर नारंगी। फिर मिलन टेस्ट जिसके अंदर मर्क्यूरी यूज़ करते हैं, एंड ये किसी भी फिनॉल कंटेनिंग कंपाउंड का टेस्ट पॉजिटिव आता है, इसमें ब्रिक रेड कलर का कंपाउंड हमें मिलता है फाइनली। फिर होपकिन कॉल टेस्ट जिसमें ग्लाइऑक्सिलिक एसिड यूज़ करते हैं, इसमें वॉयलेट रिंग आती है। लास्ट में आयोडीन टेस्ट जिसमें आयोडीन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल और KI, इसमें हमें येलो कलर मिलता है। तो ये रहा आपका बेटा डिमांड जो आपने रखा था उसका आंसर। ऐसे ही मुस्कुराते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और मैक्सिमम बच्चों तक इसको पहुँचाते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, फॉर श्योर JEE का पेपर, नीट का पेपर, BITSET, KVPI, IISER एप्टीट्यूड टेस्ट, सब में JEE एडवांस, सब में ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू।